सरकार की ओर से सख्त निर्देश हैं कि सरकारी डॉक्टर निजी अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन शायद सरकार के निर्देशों का सरकारी डॉक्टरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब देखिए इन्हीं जनाब को, ये गोरखपुर के बड़हलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं और हर महीने 40 से 60 हजार रुपए कमाते भी हैं, लेकिन शायद इनका खर्चा पूरा नहीं होता होगा, तभी तो ये खुद की क्लिनिक भी चला रहे हैं और एक मरीज से 300 रुपए फीस भी बकायदा वसूल कर रहे हैं। खुद की क्लिनिक चलाने को लेकर जब डॉक्टर साहब से पूछा गया, इन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेंटर पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जैसे 3 बजे के बाद प्रीम हो जाते हैं तो 2-4 मरीज देखे, 2-4 मरीज तो प्राइवेट में भी आप देखते हैं? हाँ, 2-4। आप समय कैसे काटा जाए? अच्छा अच्छा, समय काटने के लिए सरकार आपको वेतन नहीं देती है? देती है, वेतन देती है। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मैंने इतना इंटीरियर में हम हैं कि अच्छा अच्छा कहा, हम तो बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाए। मतलब बोर्ड इसलिए नहीं लगाया कि ताकि आप आराम से काम कर सकें? नहीं नहीं, इसलिए नहीं लगाया कि आराम से काम, कोई जो मैं जरूरत में। डॉक्टर साहब के निजी क्लिनिक खोलने का खुलासा तब हुआ जब सामुदायिक केंद्र पहुंचा एक मरीज इलाज के लिए डॉक्टर साहब को ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद उसे पता चला कि डॉक्टर साहब तो सरकारी अस्पताल में हाजिरी लगाकर खुद की क्लिनिक में बैठे हैं। R9 TV के लिए गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी की रिपोर्ट।